डीएस रघुनाथ कोविड कॉलेज, यहाँ पर आपको एक के बाद एक शादी के कार्ड छापने का दुकान दिख जाएंगे। तो ये देख सकते हो, ये कोलकाता चित्रंजन कॉलेज का व्यू सामने का। हर तरफ आपको बुक्स के दुकान दिख जाएंगे, तो किलो वगैरह के हिसाब से कॉपी वगैरह मिलते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नया ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में सियालदह से कॉलेज स्ट्रीट मार्केट तक का सफर तय करने वाला हूँ और सियालदह से कॉलेज स्ट्रीट तक का व्यू दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं उपस्थित हूँ कोलकाता का सियालदह एमजी रोड में, और ये एमजी रोड और इसके ठीक पास में ही है कोलकाता का सियालदह का सूर्यनाथ कॉलेज। तो ये जो देख पा रहे व्यू, ये सूर्यनाथ कॉलेज वुमेन का, और पास ही में है कोविड कॉलेज, और ये सूर्यनाथ कोविड कॉलेज। तो यहाँ से कॉलेज स्ट्रीट तक का सफर तय करते हैं, इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और जैसे ही आप सियालदह सूर्यनाथ कॉलेज एमजी रोड से कुछ आ गया, तो यहाँ पर आपको एक के बाद एक शादी के कार्ड छापने का दुकान दिख जाएंगे। तो ये सियालदह में काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक के बाद एक शादी कार्ड की दुकानें हैं। तो और आगे तक चलते हैं और आगे आपको व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक के बाद एक शादी कार्ड छापने की दुकानें हैं। तो और आगे तक चलते हैं इस कॉलेज स्ट्रीट के रास्ते से, और आगे का व्यू दिखाते हैं और कौन कौन से कॉलेज है और मार्केट दुकानों का व्यू दिखाते हैं और आपको कॉलेज स्ट्रीट का व्यू दिखाता है। चलिए आगे तक चलते हैं। तो ये है इस राजा राम मोहन राय स्ट्रीट, और आगे तक चलते हैं। तो इस राजा राम मोहन राय स्ट्रीट में भी काफ़ी सारे एक के बाद एक शादी के कार्ड छापने के दुकानें हैं, देख सकते हो। तो और आगे तक चलते हैं और आगे आपको भी दिखाते हैं। फाइनली गाइस, कोलकाता का सियालदह एमजी रोड से चलते चलते चित्रंजन कॉलेज के सामने आ गया। तो रोड के उस पार में है चित्रंजन कॉलेज, तो उस पर चलते हैं और आपको चित्रंजन कॉलेज का व्यू दिखाते हैं। उसके बाद चलते हैं कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट और वहां का आपको व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली गाइस, रोड के इस पार आ गया और इस पार में है कोलकाता का चित्रंजन कॉलेज। तो ये देख सकते हो, ये कोलकाता चित्रंजन कॉलेज का व्यू सामने का, तो काफ़ी फेमस और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। तो आपको पीछे तक का इसका व्यू दिखाता हूँ। तो ये है बैक साइड का व्यू। तो ये था गाइस कोलकाता का सियालदह का चित्रंजन कॉलेज, और यहाँ से कॉलेज स्ट्रीट की दूरी है करीब 2 मिनट का। तो चलिए चलते हैं कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट बुक्स मार्केट। तो चित्रंजन कॉलेज से जैसे एक स्टॉपेज आगे आते हो, तो यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट दिख जाता है, और इस टर्निंग पॉइंट जैसे आप लेफ्ट टर्निंग लेते हो तो कॉलेज स्ट्रीट के रास्ते से चले जाते हो। तो चलिए आगे तक चलते हैं और आपको दिखाते हैं कॉलेज स्ट्रीट के अंदर का व्यू। तो यहाँ से एंट्री कर गया कॉलेज स्ट्रीट मार्केट के अंदर। तो यहाँ से आपको एक के बाद एक बुक्स की दुकानें दिख रहे होंगे। तो और अगर अंदर की तरफ चलते हैं और आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, एक के बाद एक बुक्स का मार्केट है।
तो इस टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट जाते हो या राइट जाते हो हर तरफ आपको बुक्स के दुकान दिख जाएंगे। तो इस कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में आपको हर प्रकार के बुक्स 11, 12 और इसके अलावा कॉलेज वगैरह के भी बुक्स मिल जाएंगे। तो रोड के इस पार और उस पार दोनों साइड में आपको एक के बाद एक बुक्स की दुकान दिख रहे होंगे। और बुक्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारे कॉपी वगैरह भी मिलते हैं, तो कॉपी वगैरह आपको किलो के हिसाब से और इसके अलावा फीस के हिसाब से मिलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो किलो वगैरह के हिसाब से कॉपी वगैरह मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बुक्स के मार्केट में काफी सारे क्राउड है। और यहाँ पे एक संस्कृत स्कूल भी है और यहाँ पे कॉपी वगैरह की दुकानें हैं जो किले को सब सेल की जाती है। तो गाइस कोलकाता का ये सबसे बड़ा बुक्स मार्केट है जिसके कारण इसमें काफी क्राउड रहता है। तो कोलकाता के इस कॉलेज स्ट्रीट बुक मार्केट में आपको हर प्रकार के हर बोर्ड के बुक्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको सेकेंड हैंड बुक भी मिल जाते हैं। और अगर आप सेकेंड हैंड बुक सेल करना चाहते हो कॉलेज के या स्कूल के, तो यहाँ पे बहुत सारे जो दुकानदार है वो खरीदा भी किया करते हैं और रीसेल भी किया करते हैं, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आया कॉलेज स्ट्रीट के मेन रोड में और यहाँ पे दोनों साइड में एक के बाद एक बुक्स के दुकान सजे हुए हैं। तो रोड के उस पार और इस पार दोनों साइड में आपको काफी सारे दुकानें दिख रहे होंगे बुक्स के। तो सीधे की तरफ चलते हैं और आपके आए का व्यू दिखाते हैं और कितना बड़ा है ये कॉलेज स्ट्रीट मार्केट वो भी आपको दिखाते हैं। तो इन तक आपको व्यू दिखाते हैं कि कॉलेज स्ट्रीट मार्केट कहां तक फैला हुआ है। কালকে আমি একটা উপন্যাস করছিলাম
तो काफी बड़ा है ये कोलकाता का कॉलेज स्ट्रीट बुक्स मार्केट, प्लेसेस से आगे जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहा है और निकलिए और इन तक चलते हैं और आपको इन तक का व्यू दिखाते हैं। तो एक टर्निंग पॉइंट चलते हैं, दूसरे टर्निंग पॉइंट पे आ गया और यहाँ पे काफी सारे बुक्स की दुकानें हैं। तो और आगे तरफ चलते हैं, और कोलकाता के इस कॉलेज स्ट्रीट मार्केट में एमजी रोड के सामने ही है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। कॉलेज स्ट्रीट बुक्स मार्केट के स्टार्टिंग से इन तक आ गया और यहाँ पे कोलकाता कॉलेज स्ट्रीट मार्केट का एंड होता है और यहाँ से आपको कोलकाता का मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का व्यू दिख जाता है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद लाइक कीजिए और अगर अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक टेक केयर, जय हिंद।